लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें। सलाम अलैकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। AIMIM के एस कॉर्पोरेटर ख्वाजा बिलाल, जो कि कांग्रेस ज्वाइन किए थे, फिर कांग्रेस के बाद उनकी घर वापसी हुई, फिर से वो AIMIM पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथ वो फूल भी पहन चुके हैं। फिर उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए ख्वाजा बिलाल ने कहा कि पुराने जो कारकुन थे AIMIM के, उतनी ही चाहत और उतनी ही इज्जत आज उन्हें मिल रही है जैसा कि पहले मिला करती थी। खैर बहरहाल हर किसी का अपना अपना सोचने का रवैया अलग होता है, तो बहरहाल ख्वाजा बिलाल ने जो भी किया शायद सही किया होगा। ख्वाजा बिलाल का ये कहना है कि इस बार तेलंगाना दुबे का बाई इलेक्शन में जो जीत बीजेपी पार्टी को हासिल हुई, उसी के मद्देनजर इन्होंने AIMIM पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि बीजेपी का मंसूबा जो है ओल्ड सिटी पे कब्जा करना था, यानी ओल्ड सिटी के अंदर कई सीट वो जीतने वाले थे या कई सीट पर वो कैंडिडेट को खड़ा करने वाले थे। इसी वजह से वो AIMIM पार्टी को सपोर्ट करते हुए AIMIM पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, इस तरह से ख्वाजा बिलाल का कहना है। तो बहरहाल आइए ख्वाजा बिलाल क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। दरअसल मकसद मेरा मदरस इत्तेहाद और मुस्लिमीन में दोबारा शमूलियत इख्तियार करने का ये है कि आज 2015 की अगर आप बल्दिया के इंतखाबात देखेंगे तो 2015 के बल्दिया के इंतखाबात में एक ऐसी पार्टी जो कि सिर्फ 3 कॉरपोरेटर कामयाब कर पाई, और 2020 के बल्दिया की कॉरपोरेशन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को लोग प्रेडिक्शन जो बताते हैं वो कहते हैं कि हम अपना मेयर बनाएंगे। मेरी मुराद भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप सिनेरियो देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2015 में सिर्फ 3 कॉर्पोरेटर कामयाब कर पाई और अब 15 में मेयर बनाने का दावा पेश करें, और जिस पार्टी में मैं था, कांग्रेस पार्टी की बात करूं, जिस पार्टी में मैं था उस पार्टी में आज इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और इतनी स्ट्रैटेजी, और ऐसा कोई मर्द भी वहां पर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पुराने शहर में और GHMC में रोक। अब पुराने शहर में जो रोक पाने की ताकत रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुसलमानों के इत्तेहाद में वो ताकत है, और मजलिस इत्तेहाद मैं समझता हूँ कि बाहैसियत मुसलमान इस वक्त हर एक को ज़रूरत है। जो लोग इस वक्त दूसरी सियासी जमातों में बैठे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, जो NGOs हैं जो खामोश बैठे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ। कौम व मिल्लत की बात करना ये यकीनन सच है, लेकिन कौम व मिल्लत के लिए आप फिरका परस्तों को रोकना ये हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए मैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से एक पुराने अरसे से वाबस्ता हूँ, था बीच में कुछ अरसे के लिए मैं मजलिस में नहीं था, लेकिन आज बल्दिया के जो कॉरपोरेशन इलेक्शंस हैं, इस इलेक्शंस में बीजेपी को रोकने के लिए अगर कोई सही तरीके से पैमाने पर जिद्दोजहद अगर कर रहा है तो वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मैं ये जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर मुसलमान जो दूसरी सियासी जमातों में है वो भी इस वक्त साथ दे, क्योंकि बीजेपी के जो अजायम है, आप बल्दिया के इलेक्शन से पहले अगर इनका बाई इलेक्शन हुआ दुबाका का, वो दुबाका का जो इलेक्शन हुआ अगर उसमें देखें, बीजेपी के एक MLA बाई इलेक्शन में कामयाब होने के बाद उनके अजायम में बहुत इजाफा हो गया, तो उनके अजायम को रोकने के लिए हम मुसलमानों को पुराने शहर के मुत्तहिद इत्तेहाद इत्तेहाद का मुजाहरा करना यकीनन जरूरी है। इस वजह से मैंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में दोबारा शमूलियत इख्तियार की, और मैं बिलखसूस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मेरे तमाम खताओं को उन्होंने मेरे तमाम खताओं को उन्होंने जो है तरगुजर किया, और उन्होंने कहा कि बिलाल जिस तरीके से आप पहले काम करते थे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के, बल्कि उससे ज़्यादा आप जो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक रुकन बन के काम करें, और यकीनन अब हम पुराने शहर में जहाँ जहाँ पर भी मजलिस को हराने के मंसूबे बनाए जाते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब यकीनन इलेक्शन के दिन और इलेक्शन से पहले भी दे दें। शुक्रिया। देखिए मैं MIM में बहुत लंबे अरसे से था, बीच में कुछ वक्त के लिए नहीं था, लेकिन यकीनन आज जब मैं मजलिस में वापस आया तो अपने पुराने लोगों में जब ठहर रहा हूँ, अपने पुराने लोगों से जब मुलाकात हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो पुराने लोगों के जो दिलों में मोहब्बत थी और जो पुराने लोगों के दिलों में जो तड़प थी,
कि कोई भी एक ऐसा आदमी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से ना जाए। मैं समझता हूँ कि वो लोगों की तड़प, वो लोगों की दुआएं तमाम मुखालिफीन मजलिस को आज लाकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में वापस ला रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बेलोस चाहने वाले मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लोगों की दुआओं का नतीजा है, जो मैं गौस भाई और भी बहुत नाम है, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द आ गए। जरा एक दो मिनट में गुटपोशी हो जाती है, भैया प्लीज भैया थोड़ा छोड़ो भाई। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।